शहर में बढ़ते अपराध और अपराधी हमेशा पुलिस प्रशासन के लिए सरदर्द बने हुए हैं। बढ़ते अपराध दर को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ निश्चय अपराधियों को दंडित करने की आवश्यकता है। इसके लिए नागपुर पुलिस विभाग की तकनीकी की मदद से एक न्यू QR कोड सिस्टम विकसित किया है, ताकि संबंधित ब्लैक स्पॉट पर पुलिस की लगातार मौजूदगी हो सके। इससे सड़कों पर पुलिस कर्मियों की उपस्थिति बढ़ने में मदद मिलेगी। यह राज्य में पहला प्रयोग है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए विकसित यह QR कोड सिस्टम आखिर कैसे काम करता है, आइए जानते हैं हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। राज्य की उपराजधानी नागपुर को पिछले कुछ वर्षों में अपराध जगत की क्राइम कैपिटल रूप में मान्यता मिली है। बेशक यह नागपुर के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नागपुर पुलिस के प्रयासों के बावजूद शहर में बढ़ती अपराध दर ने यह धारणा पैदा कर दी है कि नागपुर में कानून का राज नहीं देखने को मिलता है। इसी के चलते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए परिमंडल क्रमांक 1 के पुलिस उपायुक्त नूरुल हसन की अवधारणा से QR कोड प्रणाली विकसित की गई है। इस सिस्टम को बनाने के लिए महज 1 करोड़ रुपए की लागत लगी। हसन ने कहा कि अगले कुछ दिनों में इसका लाभ देखने को मिलेगा। या QR कोड बेस्ड जे बीट मार्शल आहे, बीट सिस्टम आहे, ते याची सुरुवात आम्ही बजाज नगर आणि प्रतापनगर पोलीस स्टेशनमध्ये ॲज अ पायलट प्रोजेक्ट केली होती। पायलट प्रोजेक्ट झोन 1 इम्प्लिमेंट केला। इम्प्लिमेंट केल्यानंतर पायलट प्रोजेक्टचा डेटा आम्ही CP साहेब आणि ॲडिशनल CP क्राईम फुलारी सरांना दाखवले। त्यांना दोघांना हे प्रोजेक्ट नवीनपूर्ण वाटला। दोघांनी आम्हाला जबाबदारी दिली की आपण या प्रोजेक्ट पूर्ण शहरामध्ये आपण इम्प्लिमेंट करा। आम्ही 2 दिवस पूर्वी या प्रोजेक्ट पूर्ण शहरामध्ये इम्प्लिमेंट करून याची उद्घाटन माननीय ॲडिशनल CP झळके सरांचे हस्ते झालेला आहे। पूर्ण शहरामध्ये जवळपास 1500 QR कोड लावलेले आहे। जे काय व्हल्नरेबल स्पॉट आहे, जे काय पेट्रोल पंप आहे, क्रिटिकल स्टेशन आहे, तिथे आम्ही QR कोड लावलेले आहे। प्रत्येक QR कोडवर पोलीस स्टेशनचे बीट मार्शल च्या तिथे प्रेझेंट होणं गरजेचं आहे। कारण जे पायलट जे QR कोड आहे ते स्कॅन जे बीट मार्शल आहे ते बीट मार्शल याला स्कॅन करतील। ज्यावेळी ते स्कॅन करतील त्यावेळी याची इन्फॉर्मेशन कंट्रोल रूमला येते। नागपुर पुलिस विभाग ने टेक्नोलॉजी की मदद से QR कोड सिस्टम में शहर के हर जोन में ब्लैक स्पॉट का चयन किया है, जहां पर क्राइम सीन हमेशा नजर आता है। 40 स्क्वाड और बीट मार्शल वाले पुलिस अधिकारियों को इस QR कोड को स्कैन करने के लिए ब्लैक स्पॉट पर जाना जरूरी किया गया है। पुलिस कर्मियों द्वारा QR कोड को स्कैन करने के बाद इसे कंट्रोल रूम के सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाएगा। पुलिस उपायुक्त नूरुल हसन ने दावा किया कि इस प्रणाली से सड़कों पर पुलिस कर्मियों की उपस्थिति बढ़ेगी, जिससे अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा होगा और अपराध कम होंगे। याचे सिस्टम मध्ये असा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आणि रिपोर्ट आहे। त्या रिपोर्ट गर सुपरवाइजरी ऑफिसरनी पाहिली तर त्यांची एरियाची प्रत्येक माहिती त्यांना बीट मार्शलबद्दल भेटते। लाईक सिनियर PI त्यांचे एरियाचे बीट मार्शल बघू शकतात। झोनल DCP त्यांचे पूर्ण झोनमध्ये जे बीट मार्शल कार्यरत आहे प्रत्येक बीट मार्शलची कामगिरी बघू शकतात। रेकॉर्ड पूर्ण ऑनलाईन आहे आणि रेकॉर्ड सुपरवायझरी ऑफिसर त्या रेकॉर्डचे अवलोकन करत आहे। कारण आत्ताच 2-3 दिवसापूर्वी सुरू झालेला आहे, तर सगळी डेटा गोळा करणं चालू आहे। शहर के कुछ क्षेत्रों में अपराध दर सबसे अधिक होने के बाद अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके QR कोड प्रणाली विकसित की गई है। इस QR कोड की मदद से सड़कों पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी बढ़ेगी। पुलिस ने शहर में 1500 से अधिक स्थानों पर QR कोड लगाए हैं। पुलिस कर्मियों के सड़कों पर ज्यादा मात्रा में होने से अपराध में कमी आएगी, क्योंकि यह एक अनुभव है। सुरक्षा के लिए निकले चार्ली और बीट मार्शल को उस जगह पर जाकर QR कोड स्कैन करना होगा। बाकीचा रिस्पॉन्स खूप चांगला आहे। बीट मार्शल चार्ली सिस्टम जे CP साहेबांनी सुरू केलेला होता ते चार्ली सिस्टम चालू झालेला आहे आणि बीट मार्शल प्रत्येक पॉईंटवर व्हिजिट करत आहे। आम्ही दररोज रिपोर्ट बघतात ते व्हिजिट करतात आणि नक्कीच आम्ही आमची अशी अपेक्षा आहे की क्राईम वेगवेगळे क्राईम कंट्रोल करण्यामध्ये
याचा काय कहेंगे मदत होईल मदत। नागपुर शहर के हर पुलिस स्टेशन को 3 से 4 बिट्स में बांटा गया है। हर बीट पर कम से कम 15 बीट पंचिंग पॉइंट लगाकर वाटरप्रूफ क्यूआर कोड लगाए गए हैं। इसी तरह निर्वाचन क्षेत्र के 76 के 377 बीट पंचिंग पॉइंट तय किए गए हैं और सभी बिंदुओं पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं। उस बीट पॉइंट पर ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी और बीट मार्शल वास्तव में दिन और रात के दौरान मौके पर जाएंगे और उस कोड को मोबाइल में स्कैन करेंगे। एक आवेदन के माध्यम से पुलिस मुख्यालय, पुलिस आयुक्त के कार्यालय, उपायुक्त के कार्यालय और थाने के निरीक्षकों तक सारा डाटा पहुंच जाएगा। इससे पुलिस कर्मियों द्वारा गश्त की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे अपराधी खुलकर सांस नहीं ले सकेंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की स्पेशल रिपोर्ट।